देशरे खसुची कोरोना संक्रमितों संख्या 24 घंटे 255,874 आक्रांत चिन्हट होता बेले 614 जनक मृत्यु होई दैनिक संक्रमण हार 15.52% रही। कोरोना संक्रमण जोगु आहुरी कठोर होती आसाम सरकार जेउमाने टीका नेइनांती सेमानकु सर्वसाधारण स्थान मना। वर्षा परे पुणी फेरिबो शीत घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी एवं कोरापुट जिलार गोटे दुईटी स्थान में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा होवार संभावना रही। 27 तारीख पर पागरे परिवर्तन आसी तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 3-5 डिग्री पर्यंत ह्रास पाई आगामी एक सप्ताह पर्यंत शीत अनुभूत होब। कुहुड़ी पाई मध्य अस्तव्यस्त होब जनजीवन। आसंता 31 संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ। प्रतिदिन लोकसभा और राज्यसभा 5 घंटा लेखाए चलिबो। फेब्रुआरी 1 पूर्वाह्न 11 लोकसभा अधिवेशन आरंभ हो साधारण बजेट आगत हेब। फेब्रुआरी 2-11 तारीख पर्यंत लोकसभा बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय अपराह्न 4 राति 9 पर्यंत चलिबो। सकाळ 9 अपराह्न 2 पर्यंत चलिबो राज्यसभा। आसंता मार्च 14 संसदर उभय गृहर अधिवेशन पुणि आरंभ हेब एवं एप्रिल 8 संसद अधिवेशन शेष हेब। विभिन्न मंत्रालय और विभाग पक्षर करयबराद दाबी को अनुध्यान कर स्टैंडिंग कमिटी। युक्रेन में बढ़ुवा उत्तेजना जो दूतावास समस्त कर्मचारी और तांको परिवार वर्गंकु स्वदेश फेरी आसिबा परामर्श देछि अमेरिका। एथिसह दूतावास कार्य करुवा अणजरूरी कर्मचारी सरकारी खर्च में आमेरिका पलै आसिबाकु कुहाजाइछि। ब्रिटेन निज राष्ट्रदूत को दूतावास खाली करने को निर्देश देथवा जनापड़ी। आंटोनी ब्लिंकेन गत शुक्रवार रुषिया वैदेशिक मंत्री सर्गेय लाभरों सह उत्तेजना ह्रास लगी आलोचना करते सफलता मिल न बेले आमेरिका सतर्कता स्वरूप दूतावास खाली करने को पदक्षेप नहीं। तेरे दूतावास कर्मचारी फेरे नौले युक्रेन प्रति आमेरिकार समर्थन ह्रास होबनी ब्लिंकेन प्रतिश्रुति।